हेलो पॉकी लवर्स। तो यार ये वाला गेम प्ले हमारा होने वाला है एप्सोल के ऊपर। और मतलब यार इस वाले गेम प्ले में ना जो सामने टीम आई थी ना वो पूरे 5 की स्क्वाड आई थी, मतलब सामने टोटल 5 बंदे आए थे और हम सारे रैंडम्स खेल रहे थे और मैं भी मतलब सोलो ही खेल रहा था और मैं सोलो एप्सोल के साथ रैंक पुश कर रहा था। तभी यार ये वाला गेम प्ले ऐसा आ जाता है जिसमें और सामने पूरी 5 मैन स्क्वाड आती है और मतलब यार ये आखिरी तक देखना उसमें बीच में ना ऐसा कॉम्पिटेटिव वाली फील आएगी, तो मतलब ऐसा लगेगा यार क्या कॉम्पी मैच चल रहा है, क्योंकि यार उन लोगों ने ऐसा पुश किया था ना हमारे ऊपर। मतलब उनका वेनोसोर इतना बढ़िया खेला था और उनके जितने भी टीम मेट्स थे वो सारे ही बढ़िया खेले थे और मतलब वो अच्छे से जंगल पूरा फार्म करके आए थे। जितना भी जो भी उनको जंगलर था वो फार्म कर रहा था, बल्कि उनके वहाँ पर उनकी टीम में 2 जंगलर थे और वो दोनों फार्म कर रहे थे। मेरे को जंगलर हमसे याद नहीं है, लेकिन हाँ वेनोसोर जो था बॉटम लेन में गया था, उसने यार बिल्कुल तबाही मचा रखी थी। मतलब वेनोसोर और रूपा ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया और यहाँ पर हम सारा सेंटर फार्म ले लेते क्योंकि स्पीड सर सेंटर फार्म जंगलर है, जैसे मैंने बताया स्पीड से को जंगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और देखो अब ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ पर आ जाता है हमारा वेनोसोर भी यहाँ पर तबाही मचाता है। उसके बाद वो नीचे जाता है, मतलब वो चाहता है कि यहाँ पर जितना वो मेरे पीछे पड़ सकता था वो मेरे पीछे पूरा पड़ा, क्योंकि उसके पास जो ये वाला बेसिक अटैक होता है ना जो उसका वो बड़ा मतलब उसका बड़ा ही खतरनाक हो, ये वाला जो अटैक होता ना उसका ये बड़ा खतरनाक होता है। ये देखो ये मेरे तो मेरे को पूरा टारगेट किया था उसने कि भाई बस मैं इस एप्सोल को ले लूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि यार मैंने ना ऊपर का गोल बड़ा गंदे तरीके से निकल लिया था, तो ये मेरे पीछे पड़ गया था कि भाई एप्सोल को मारना है भाई किसी भी तरीके से ना एप्सोल को मारना है। तो यहाँ पर देखो हम फटाफट से सारा फार्म ले लेते हैं। ये तो कह रही है भाई लेन देना, ले लिया भाई। देखो फार्म अब लेवल मेरे को तलाश थी भाई लेवल 7 की, मतलब यार मेरे को ना कैसे भी करके लेवल 7 होना था। और भाई फिर तो तुम लोगों को पता ही ना भाई फिर एप्सोल की क्या था भाई मस्ती है। यहाँ इसने मेरे को यार लीव चलाई लेकिन कुछ कर नहीं पाया और ये ओपी तो भी जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिकैरियन ने थोड़ा सपोर्ट किया मेरे को, लिकैरियन ने थोड़ा डायगोनल पीछे कर दिया और मेरे को आगे कर दिया कि जब 30 स्कोर में कर सकता हूँ, तो भाई तू जा भाई 30 स्कोर कर तू जिंदगी सी है। तो देखो यहाँ पर सारे फटाफट स्कोर कर दिया, लेवल 7 हमारा हो गया, सकर पंच खुल गया। तो हाँ मैंने इसमें यूज़ किया था नाइट स्लैश और सकर पंच जो आपको दिख रहा है। तो यार ये एक ऐसा बिल्ड है ना, मतलब अगर आप इसको सीख गए, क्योंकि लोगों को नाइट स्लैश और साइको कट के साथ ज़्यादा आजकल मैंने देखा यूज़ करते हुए, लेकिन ये वाला अगर आप बिल्ड सीख गए ना तो नाइट स्लैश और उसके साथ साइको कट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सकर पंच हमारा लॉन्ग रेंज के हिसाब से काम करता है। मतलब एक बार एनिमी टारगेट के अंदर आ गया ना भाई फिर तो ये उसको घर तक लेके जाता है, मतलब उसके घर तक पीछे पड़ जाता है भाई, छोड़ता नहीं है। और साथ साथ एक स्टन करता है सकर पंच ना, एक स्टन करता है एनिमी को थोड़ा सा थोड़ी देर मतलब एक सेकंड के लिए, जिसमें तुम इजीली एक बंदे को एचपी पे मार सकते हो अगर तुम एचपी पे हो तो, क्योंकि क्रिटिकल तो तुम लोगों को पता ही है इसका। तो देखो ऊपर का गोल मुझे फटाफट से फोड़ दिया। अब हम जाते हैं नीचे कि वो अब वो पूरी टीम ना नीचे शिफ्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो मैच होने वाला है ना वो होने वाला है एकदम तबाही, मतलब यहाँ पर ऐसा होने वाला है एकदम कॉम्पी वाला फील तुम लोगों को आने वाला, क्योंकि सारे बंदे नीचे थे और उन सारे बंदे ने हमारे पास ऐसा कुछ किया ना, और हमारा गैंगर भी यार इतना कुछ देखो कुछ कर नहीं पाया था। वो देखो ग्रीन जो वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था भाई ग्रीन जो लपेटने की, रूपा ने हमें यहाँ पर जैप करा, ऊपर से वेनोसोर आ गया उसने लीव चलाई मेरे पे, और कोशिश तो पूरी वेनोसोर ने करी क्योंकि पीछे जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है यहाँ पर स्लज में लगा के पीछे भाग जाता है भाई। मतलब यार वेनोसोर ने भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले यहाँ पर दिखाया। ये देखो भैया देखो क्या क्या भीड़ मची हुई है यार, तुम देख रहे हो मतलब सारे बंदे नीचे। हाँ एक बंदा उनका ऊपर था वो रोटम छेड़ रहा था, हमने पर रोटम पर ध्यान नहीं था क्योंकि अब देखो यहाँ पर मेरी खुल गई है यूनाइट, देखो ड्रैगोनाइट उनका रोटम छेड़ रहा है, तो यहाँ पर मेरी खुल गई यूनाइट और मैं छोड़ने वाला हूँ भाई क्योंकि मैंने लगा दी यूनाइट। लेकिन मेरे पास बड़ी बैरियर नहीं था यार, मतलब मेरे पास बड़ी बैरियर मैंने इसमें यूज़ नहीं करा, मैंने इसमें मसल बैंड स्कोप लेंस और रेजर को यूज़ करा है। ये देखो भाई ये मेरे को फेल दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ गया था कि भाई तुम लोग स्कोर करो मैं तुम्हें बचा, जैसे ऊपर लुकैरियो ने करा था ना मेरे साथ, भाई लुकैरियो ने पहले उसको मारा, चाहे वो मार दिया हो मैं मर गया हूँ कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने ऊपर गोल कर दिया था नीचे अपने बंदों ने गोल कर दिया और वहाँ पर मेरी जैसे हमारा वेनोसोर पिल चुका है। और ऊपर देखो यार ऊपर मैंने सोचा ऊपर चला जाता हूँ बट कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यार ऊपर एक के नीचे हमारे सारे बंदे अगर पिल गए तो नीचे वाला गोल पे ऊपर वाला गोल पे, तो मैंने सोचा यार सपोर्टिव खेलना चाहिए, मतलब क्योंकि मैं मोस्टली सोलो क्यू के अंदर सपोर्टिव ही खेलता हूँ और मैं मोस्टली ऑलराउंडर यूज़ करता हूँ, स्पीड से यूज़ करता हूँ बस, डिफेंडर में कभी यूज़ करता हूँ और सपोर्टर भी मैं नहीं लेके जाता अगर सोलो की मैं खेलता हूँ तो, क्योंकि यार अगर सोलो की खेल रहे तो स्पीड से ऑलराउंडर अटैकर इनके साथ आप इजीली सपोर्टिव खेल सकते हो जिस तरीके से मैंने इस वाले गेम प्ले में करा। ये देखो और ऊपर देखो ड्रैगन ने ऊपर से अपना रोटम वोटम से गोल करके नीचे आ जाता है कि भाई ये वाला गोल कर ले जाते हैं, और हाँ भाई लिटरली वाला गोल ले गए पहला है, मतलब मैंने सो देखो क्या एच पी पे मारे जा रहा है घर में उसको, क्या मैंने सर काफ़ी अच्छा खेल रहा था भाई, देखो उसने 40 वहाँ पर स्कोर भी कर दिया। वो देखो हमारे 2 गोल ले चुके हैं, अब देखो इसने उन्होंने पूरा कोशिश करा कि भाई क्योंकि हमारे 5 बंदे मरे हुए थे, उन्होंने ट्रेडमिल पे ले लिया उसने ड्रैगोनाइट ने। ये देखो हुपा ने खूब ट्राई करा था भाई यहाँ पर, मतलब कि मेरे को लपेटनी और उसने फिर अपने बंदे को बुला लिया और भाई मैं क्या ही जैप करके मारा, मतलब ये वाला गेम था मतलब भाई गलत ही पलटने वाला है वाला गेम, मतलब इनके जो पूरे 4-5 बंदे खेल रहे हैं ना इनका, ये देखो यार 5 के 5 नीचे हैं भाई, क्या सड़ मचा रखी थी नीचे पर। और भाई मेरा फिर मैंने कहा यार ये बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को नीचे खेलने में कि जब 5 बंदे थे यार
अब तो नीचे खेलना पड़ेगा, अब तो नीचे ही खेलना पड़ेगा। देखो वेनोसोर को भाग के आ जाता है वहाँ से धुम दुबा के, लेकिन मार के आता है वो ड्रैगन उसको, ड्रैगनेट को। अपन तो एच पी भाग जाता है यार, मतलब मेरे को तो इन लोगों से इतनी खौफ होती है जो एच पी भाग जाते हैं और अपने टीम मेट्स को नहीं मार पाते, क्योंकि क्यों यार क्या खास हमें कैंप कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने अपनी नेटबुक भी चलाई लेकिन कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा तो मैं ऐसे निकल लिया, जल्दी हो सकता अपने जल्दी निकल लो। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम छुप छुपा इनके तरफ छुपन छुपाई गेम खेलना चाह रहे हैं और यहाँ पर हमने इसको फोड़ दिया। अब नीचे वाले गोल हम ले जाते हैं, अब देखना यहाँ से हम गेम पलटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मैं समझ गया था भाई अब वो भी पाँच बंदे आ रहे हैं, हमें भी पाँच बंदे जाना पड़ेगा, पाँच या फिर चार तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि अपना गैंगर तो उसी में लगा हुआ है। यहाँ पर मैं पिल जाता हूँ, कोई ध्यान है, यहाँ पर मैं पिल जाता हूँ। हाँ यहाँ देखो क्या मतलब एच पी बचाता हूँ यहाँ पर मैं, गलती वाले मेरे को पेल देते हैं। मतलब ऐसा है कि भाई एप्सोल को छोड़े, क्योंकि एप्सोल का क्रिटिकल डैमेज तुम लोगों को पता ही है, और मैं सारा जंगल फार्म मैंने किया अपना इधर अपनी साइड का, जितना मतलब मैं अपनी साइड का हो सका था मैंने किया था। और यहाँ पर देखो ट्रेडनो लेने के लिए मैं यहाँ पर पूरी रेस में दौड़ जाता हूँ कि भाई ये सॉरी रोटम लेने के लिए कि भाई रोटम अपन को लेना है। और यहाँ पर यार ये मतलब गैंगार के पास यार इतना कुछ होता है भाई, तब भी नहीं वो ले जा पाया यार, मुझे यहाँ पर बड़ी खौफ तोड़ी भाई कसम से यार। कितने पाँचों बंदे खेल रहे हैं तुम देख रहे हो, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, पेल दिया भाई। कि मतलब एप्सोल को तो तुम लोग ऐसा यूज़ नहीं कर सकते भाई सोलो गेम में, अगर तुम्हारे पास टीम मेट नहीं है तो मतलब तुम एक मार लोगे दो मार लोगे उसे तो नहीं मार सकते यार। उसकी मतलब उसके में या तो बड़ी बैरल लेके नेट मूव पे था तो मार सकते हो। यहाँ पर देखो रोटर में टच कर दिया, और इसके बाद मेरे को डीमोटिवेट हो गया था भाई कि मतलब यार ये वाला मैच मैंने छोड़ दिया था, मैंने गिव अप कर दिया था भाई, मेरे से नहीं यार मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मतलब मैंने वाला भाई यहाँ पर गिव अप कर दिया था। लेकिन हाँ खेल में तब भी रहा था मैं, तब भी कह रहा था मैं, लेकिन अंदर से मैं कहता भाई अब नहीं खेलना मेरे को, अब मैं जैसे जैसे मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से खेलने लग गया, क्योंकि टीम मेट्स के साथ जाना मैंने बंद कर दिया कि भाई इतनी ऐसे ऐसे कराएं हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारी इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं ट्राई करना चाहता कि होल्ड कर दूँ, बट यहाँ पर कोई फार्म कर रहा था, यहाँ पर ऊपर फार्म कर रहा था, तो मैंने ट्राई किया यार देखो मेरे पास कोई आ जाए। तो यहाँ पर गैंगर घूम रहा था, मैंने मिनी मैप में देखा भाई गैंगर हमारे पास घूम रहा है, तो देखो हुपा को यहाँ पर लपेट के फटाफट, और हम दोनों गैंगरों में दोनों गोल कर देते हैं। पर हुपा ना मतलब गलत लेवल कार्ड है भाई, गलत लेवल कार्ड लिटरली यार, इसके लिए मेरे को यूनाइट मूव लगानी पड़ गई थी। यहाँ पर यार पिल जाता है मतलब ये, उसके बाद हम यहाँ पर स्कोर कर देते हैं फटाफट से जितने बार पास स्कोर हो जाता है, और यहाँ से फिर हम निकल देते हैं छुप चपतली गली से गायब। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट है जब मैंने समझ गया था भाई हम गेम पलट सकते हैं, क्योंकि वो पाँच के हिसाब से खेल रहे हैं और एक बंदा उनका सोलो रहता है हमेशा इधर या उधर कहीं कहीं ऊपर या फिर बॉटम लेन में। तो यहाँ पर मैं समझ गया था कि वो नीचे चार स्क्वाड में खेलते हैं, पहले वो फाइव में स्कोर थी, फिर वो धीरे धीरे करके चार में हो गए। देखो वो जो मतलब गैरचोम तो चिपक चिपक के खेलता है भाई ग्रिंजा के साथ, ग्रिंजा और गैरचोम दोनों चिपक चिपक के खेल रहे हैं, और वेनोसोर कहीं ना कहीं ड्रैगोनाइट थोड़ा सा उनका यह है उसको वो देखो उसमें मेरे को देख लिया जंप करते हुए। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था कि यार मैं उसको अगर लपेट सकूँ तो मेरे पास आ जाए, मैं सकर पंच उसको जो है वो स्टन करके उसको फिर मार दूँ, और ऊपर आने वाला हमारा रोटम, बीच में आने वाला हमारा जैक्टोस। अब गेम पलट गया, क्योंकि देखो लगभग गेम पलट चुका है यहाँ पर, देखो उनका हम क्या हम तीन गोल ले चुके हैं, वो हमारे दो गोल है, लेकिन वो जो दो गोल हमारे बचे रहे ना उनमें हमारे गोल्स बहुत कम है, मतलब वो थोड़ा भी गोल करेंगे तो हमारा फिर दोनों गोल जा सकते हैं, वो भी दो मिनट के बाद क्योंकि डबल जाते हैं। तो अभी तो हम लीड में चल रहे हैं। अब देखना भाई क्या ही गेम पलटा है हमने, मतलब तबाही वाला गेम पलटा है भाई। यहाँ पर सब पेल दिस और मैं भाग गया, यहाँ पर मैं कैसे ही भागता हूँ एच पी पे, मैंने सो रहा था और ये मैंने यहाँ पर इसको करा स्टन। देखो यार स्टन यूज़ करके मैं यहाँ से भाग के, मैंने कहा था ना सकर पंच भाई ये स्टन मैंने यूज़ किया है बहुत ही तगड़ा था भाई, यहाँ से भी गायब हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी भाई यूनाइट मूव की, क्योंकि मैंने चाहता था भाई मैं सेंटर मेरा चाहे मैं चाह रहा था सेंटर में नेट मूव लगा दूँ, लेकिन मुझे बचाना पड़ता मेरे पे एच पी थी और भाई हुपा मेरे को मार सकता था, तो भाई मैंने यहाँ पर यूनाइट मूव लगा दी जिससे मैं थोड़ी सी शील्ड मिल जाए मेरे को, थोड़ी सी लेवल थोड़ा सा मिल जाए जिससे कि मैं टिक जाऊँ, उसके बाद फिर मैं टैप टू बेस खरीदूँ, वरना उससे पहले अगर मैं मर जाता तो भाई मेरी बहुत लंका लग जाती है, मतलब फिर भाई 30 सेकंड का टाइमर लग जाता, मैच पूरा हाथ से गया था। और देखो हमने उनके तीन फोड़ दिए, उन्होंने हमारे तीन गोल फोड़ दिए। अब पारी आती है भाई जैपडोस की, जो कि भाई ये देखो एब्सोल्यूट यार भाई मैंने भाई जैपडोस छुड़ाया, और भाई उसके बाद मुझे बड़ा आ गया कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो गेम पलट सकते हैं पूरे, मतलब देखो क्लोज बैटल चल रहा है और किस तरीके से हमने पूरा गेम पलटा है ना, वो पूरे चार के हिसाब से पाँच के हिसाब से खेल रहे हैं, पूरा फाइव मिनट स्कोर खेल रहे हैं, और उसके बाद भी भाई पूरा गेम कैसे पलटा है। मतलब इसमें कोई ऐसा बिल्ड नहीं है कोई खास भाई जो मैंने किल करे हो, कुछ नहीं करा मैंने, नौ किल किए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, और स्कोर्स मैंने 200 प्लस किए तो। और यहाँ पर देखो कहीं जाता है और उसको मैं ट्राई कर रहा था कि मैं लपेट लूँ और खेलता मेरे पास इसका किला आया था। जो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम रह जाता है, यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ना ट्राई करने के लिए पूरे पूरे आता है कि भाई इसको मारो उसको, और बीच में ड्रैगोनाइट ने फार्म कर रहा था जिससे वो नेट मूव लगा के आ जाओ, और ऊपर वो स्कोर कर भी जाता है, वो यहाँ पर ऊपर स्कोर कर जाता है। मैं पहले बैठा हुआ बैनसोर, अभी देखना ये देखो यहाँ पर बैठ के ये चुपचाप भाई कि मैं यहाँ पर फटाफट से गोल कर दूंगा, एप्सोल का पता नहीं चलेगा जैसे। और भाई यहाँ पर भी इसको लपेट देते हैं, अब ऊपर आता है अपना ड्रैगोनाइट भाई फार्म करके,
मेरे को ध्यान है, बट हाँ देखो ड्रैगन हट आ गया, यूनाइट मूव लगा कर जैसे मैं उसके पास जाता हूँ, लेकिन वो तब तक कर देता है क्योंकि फक के लेके आया गोल गटर के साथ स्कोर शील्ड बड़ी बैरियर भाई, फिर तो होना ही है भाई गोल, फिर कोई भी उसे रोक रहे। देखो यहाँ पर आ गया था अपना 40 करके आ गया, पर तब भी कुछ नहीं कर पाया। और भाई मेरे हैं 9 किल भाई, मतलब क्या ही गेम पलटा भाई, गलत लेवल का। चारों बंदों के सामने भी अगर तुम सपोर्टिव खेलोगे ना भाई, इस गेम प्ले का मेरे को यही मिला सीखने को भाई, अगर सपोर्टिव खेलोगे ना रैंडम के साथ भी कोई भी पोकेमॉन लेके आओगे तो जीतोगे भाई, 101% जीतोगे। तो यहाँ पर देखो मेरा स्कोर 200 प्लस स्कोर है, मैं MVP भी मैच में, और मेरे किल भी 9 है भाई, मतलब मैंने गेम पूरा ही पलट दिया और गलत लेवल का। उनका ड्रैगनाइट गोल पे ध्यान दे रहा था और ऊपर उनको सपोर्ट कर रहा था, ग्रेंजर उनको सपोर्ट कर रहा था, ग्रेंजर ने पूरे पूरे ट्राई करे किल लेने की बट नहीं ले पाया भाई। देखो मैंने दिया 51,000 का डैमेज अपने पूरे गेम प्ले में। तो भाई देखो ये वाली गेम प्ले यहीं पे ख़त्म करते हैं, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा भाई किस तरीके से, मतलब अगर सामने कितनी भी बड़ी टीम आ रही है ना भाई, अगर सपोर्ट रखोगे ना अपनी टीम के साथ तो मतलब फार्म भाई तुम छोड़ना भी पड़ सकता है, अगर तुम मार रहे हो फार्म कर रहे हो तो तुम्हें फार्म छोड़ना भी पड़ सकता है अपनी टीम के लिए। तो अब मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।